गाइज एंड वेलकम बैक टू इंडियन गर्ल इन यूरोप। आज फिर से एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आई हूँ। सोनम हमारे साथ है, तो सोनम पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। हाई गाइज, आई एम सोनम एंड आपने मुझे पहले भी देखा होगा सुरभि के वीडियो में शॉर्टली। तो सोनम से मैं कैसे मिली पहले मैं वो बता देती हूँ। तो हम मतलब पहले मैं जब मैटलिंगन में रहती थी तो रॉइटलिंगन में सोनम ने मुझे देखा, इसने पहले वीडियोस देखे हुए थे तो इसने मुझे मैसेज किया एंड देन हम लोग मिले और जब से हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और दोस्ती हमें यहाँ पर लेके आ गई और हम आज यहाँ पर बैठ के वीडियो बना रहे हैं। तो ऐसे मैं सोनम से मिली। मेन आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि सोनम ने यूके से मास्टर्स किया हुआ है प्लस उसने जर्मनी से MBA किया हुआ है। मुझे जानना था, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पैदा हो गया कि यार यूके इज बेटर और जर्मनी इज बेटर। तो टॉपिक वही है कि यूके के क्या एडवांटेजेस हैं पढ़ने के और जर्मनी के क्या एडवांटेजेस हैं, प्लस अगर कोई डिसएडवांटेजेस हैं दोनों कंट्रीज के तो वो क्या है। तो चलो सोनम, जो भी तुम्हारा एक्सपीरियंस है वो बात करते हैं। मुझे 2 साल हो गए हैं जर्मनी में रहते हुए और मेरा पहला मास्टर्स यूके लंदन में था, गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी। मैंने एमए किया था इन प्रमोशनल मीडिया बट 10 साल पहले, तो मे बी जो इन्फॉर्मेशन मुझे तब की पता हो कुछ चीज़ें चेंज हो चुकी हो। ओवरऑल एक्सपीरियंस आई कैन से कि यूके थोड़ा ईज ऑफ है, इतना पेपर वर्क नहीं है वहाँ पे जितना यहाँ पे, एंड एटलीस्ट पर्सनली मेरे लिए पेपर वर्क इज़ द बिगेस्ट चैलेंज जर्मनी में, क्योंकि कोई ऐसा वेबसाइट नहीं है जहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाए। आप लोगों से बात करते हो तब आपको चीज़ें पता चलती है, अदरवाइज़ आपको कुछ पता नहीं है और फिर आपको कुछ ट्रबल होगा, फिर आप उसके बारे में ढूंढना शुरू करोगे, फिर आपको उसके बारे में पता चलेगा। बट यूके में ऐसा नहीं था, वीज़ा आपको एक साथ ही मिल जाता है पूरी पढ़ाई का, एंड आपको वहाँ जाके फॉर एग्ज़ाम्पल पार्ट टाइम, क्योंकि मैंने अपने पूरा एडुकेशन पार्ट टाइम जॉब करके वहाँ पे सर्वाइव किया था, बस आपको रजिस्टर करना पड़ता है, एक नंबर आता है एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग। और मैंने एक अपैरल ब्रांड है यूके की नेक्स्ट करके, उसमें पार्ट टाइम किया था एंड मुझे काफ़ी उस टाइम पे आई यूज़ टू गेट 1200 pounds अ मंथ आफ्टर टैक्सेस। हम सबको ये पता है और हम सब यही बात करते हैं कि बिगेस्ट बेनिफिट इंग्लिश लैंग्वेज है जो हर एक इंडियन को आती है, और इंडियन कम्युनिटी भी वहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग है। आई वुड से आपको खाना इजीली मिल जाता है, आपको देसीज पर से बहुत मिल जाते हैं, क्योंकि पर्सनली मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि आई एम मिसिंग होम। मे बी इसलिए क्योंकि बहुत सारे देसीज थे यहाँ पे, आपको बनाने पड़ते हैं, और हमने देखा ही है फेसबुक ग्रुप पे कि यहाँ पे आई डोंट नो इंडियंस इतना ज़्यादा मिंगल नहीं होना चाहते, वट एवर बी द रीज़न। एंड खाना भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक छोटा फैक्टर है कि आप हेजिटेट करते हो, राइट? कि और स्पेशली अगर आप किसी छोटी जगह जाते हो, फॉर एग्जांपल म्यूनिक इज़ फाइन, हम चलते फिरते देख लेते हैं बहुत सारे इंडियंस को, बट अगर आप छोटी जगह पे हो तो मुझे लगता है चैलेंजेस थोड़े ज़्यादा होते हैं। एक्चुअली सोनम ने बहुत अच्छी बात करी, जैसे ये यूके के एडवांटेजेस अभी बता रही है कि यूके में दिवाली दिवाली जैसा लगता है और होली होली जैसा लगता है, वेयर इज जर्मनी में ऐसा नहीं है, और ये जर्मनी का एक डिसएडवांटेज है। जितना तुमने बताया, फर्स्ट थिंग इज़ लाइक द लैंग्वेज इज़ द बिगेस्ट थिंग, है ना, एंड पेपर वर्क जो बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है जर्मनी का, बट यूके इट्स गुड देयर। एंड थर्ड थिंग इज़ लाइक इंडियन कल्चर, और वहाँ पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता जितना यहाँ लगता है कि यार इंडियन चीज़ें हम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लाइक खाना, लाइक इवेंट्स, फेस्टिवल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके अलावा कोई एडवांटेजेस यूके के हैं? आई थिंक यूके के एडवांटेजेस तो काफ़ी ज़्यादा है। मैं एक ही कंपेरेटिव जो ड्रॉबैक मैं बोलूँगी यूके का, कि बहुत महंगा है। इन द सेंस पढ़ाई बहुत महंगी, आप पार्ट टाइम कर सकते हो क्योंकि अगेन इंग्लिश आपको आती है, आपको जो चाहिए आप वो कर सकते हो, तो उसका ये बेनिफिट है। मेरा उस टाइम पे पार्ट टाइम वॉज कस्टमर फेसिंग। मैं जर्मनी में सोच भी नहीं सकती हूँ कि मैं पार्ट टाइम करूँ और वो भी कस्टमर फेसिंग, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि लैंग्वेज इज़ द बिगेस्ट बैरियर, राइट? अनटिल अनलेस आपको जर्मन नहीं आती है, आप मोस्टली डिलीवरी वाले या जहाँ पे आपको ज़्यादा बात ना करनी पड़े वो वाले जॉब ढूंढोगे सेफ साइड। यूके में नहीं था, यूके में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज पार्ट टाइम, यस, बारटेंडर टू व्हाटएवर। एंड जैसे सोनम ने बताया कि एक डिसएडवांटेज लगता है कि वहाँ की पढ़ाई जो है वो महंगी है, मतलब यू हैव टू गिव मनी, वेयर इज़ यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फीस जो है वो ज़ीरो है, एंड आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज मोस्ट ऑफ द इंडियंस के लिए, एंड इसीलिए लोग जो हैं अब ज़्यादा जर्मनी आ रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। तो थोड़ा हम उसके ऊपर बात करते हैं।
तो कितना सोनम तुम्हारी फीस क्या थी यूके में? जब मैंने किया था आई थिंक इट वॉज अराउंड 10,000 pounds एंड इट इंक्रीज्ड आई थिंक येस अभी कुछ 18,000 pounds है बट 10 साल पहले की थी तो ऑफकोर्स इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा जा चुका है बट मेरे लिए उस टाइम पे वो अफोर्डेबल थी बिकॉज आई रिमेंबर हमने 9 lakh लिए थे इंडिया में लोन लिया था आई थिंक यूके के लिए वो ज़्यादा नहीं है और रहने का खर्चा मैंने एक पार्ट टाइम से निकाला था तो ओवरऑल इट वॉज जस्ट 9 lakh फॉर मी तो मुझे वो भी बहुत महंगा नहीं लगा इफ यू आस्क मी बट अगर आप एम बी ए बोल रहे हो या अब कोई कोर्सेज देख रहे हो तो वो सब 20,000 pounds एंड अबव ही हैं जो मैंने देखा है लेटली फी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है अभी के टाइम पे तो आई डोंट थिंक सो कि वो एडवांटेज है बट मेरे टाइम पे प्रॉब्लम ये था प्रॉब्लम कह सकते हो या आपकी प्रायोरिटी के ऊपर है कि वीज़ा नहीं था 2012 में उन्होंने पोस्ट एडुकेशन वीज़ा बंद कर दिया था एंड यू गेट ओनली 6 months टू फाइंड अ जॉब इफ़ यू गेट अ जॉब देन यू कैन स्टे बैक बट वो जो 2 साल वाला था वो बंद कर दिया था फिर भी मैं गई क्योंकि मुझे पढ़ना था और वो कोर्स मुझे पढ़ना ही था इररिस्पेक्टिव कि मैं रुक रही हूँ नहीं रुक रही हूँ इट डिडंट मैटर एट दैट टाइम तो अगेन वही आपका एम क्या है बट एक्चुअली मैं इस पर पॉइंट बिकॉज 10 years बिफोर सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी बट अब यूके में भी लोग वो लोग चाहते हैं कि यहाँ बाहर से लोग आएँ स्किल वर्कर आएँ प्लस लोग एजुकेशन करें एजुकेशन करके फिर जॉब ऑप्ट करें तो आई थिंक अब सिचुएशन बहुत चेंज हो गई है यूके एंड यूरोपियन कंट्रीज़ की तो आई थिंक ये एक डिसएडवांटेज मैं रिमूव कर देती हूँ अभी नहीं होगा इतना एग्जैक्टली और सोनम जैसा लोग बोलते हैं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में यहाँ पर ट्यूशन फीस ज़ीरो होती है तो तुमने कुछ मतलब एक मैं जेन्युइन जानना चाहती हूँ कि सच में ट्यूशन फीस ज़ीरो होती है या एट द एंड यू हैव टू पे समथिंग एमबीए की वर्ल्ड में कहीं पे भी नो कंसेप्ट ऑफ नो ट्यूशन फी यू हैव टू ईएसबी द ऑप्शन दैट आई पिक्ड अप वर्स की वो सबसे सस्ता था एंड इट हैज़ एसीएसबी एक्रेडिशन जो अगर हम इंडियन यूनिवर्सिटी को कंपेयर करें देन इट्स आईएम्स and at that time tuition fee was 7,900 8,000 approx which is the cheapest I could find I think for MBA मतलब MBA बहुत ही महंगा कोर्स है अगर आप UK US कहीं पे भी देखोगे तो आप लाखों में बात कर रहे हो मतलब 25-30 lakhs एंड अबव 8,000 euro आई थिंक इट्स अ फेयर अमाउंट विद द एक्रेडिटेशन दैट यू आर गेटिंग इट्स नॉट समथिंग कि बस आप एम बी ए कर रहे हो बट अगर आप इंडिया भी जाते हो तो एटलीस्ट उसका वैल्यू है और बस 2% यूनिवर्सिटीज हैं इन द वर्ल्ड हु हैज दिस एक्रेडिटेशन बट नाउ आफ्टर कोविड आई थिंक फी इज अराउंड 10,000 और 14,000 आई डोंट नो बट वो भी बढ़ गई है उसकी भी फी एम बी ए नो इट्स नॉट फ्री तो ये तो आप भूल ही जाओ कि अगर आपको एम बी ए करना है और आपको फ्री में कहीं पे मिलेगा मतलब जर्मनी में फिर भी सस्ता है एंड आई थिंक MA MSc वाले कोर्सेज है वो फ्री हैं बट वो ही आपको जो भी सेमेस्टर फी होती है डिपेंडिंग यूनिवर्सिटी कुछ 250 euro लेते हैं कुछ 600 euro लेते हैं वैसा है बट नॉट एम बी ए सो ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन कोर्स आपने कौन सा कोर्स चूज़ किया जैसे इसने MBA किया था तो उस पर डिपेंड करा था कि इसकी फीस कितनी है सो व्हाट शी सेड कि 8,000 euros कुछ इसने पे किया था पूरा फीस तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से कोर्स की फ़ीस है कौन से कोर्स की नहीं है ऐसा बिल्कुल ये मिसकंसेप्शन है कि फ़ीस जो है वो सारी ही यूनिवर्सिटीज़ की ज़ीरो है ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है एक और बात बिकॉज अब समर सेमेस्टर स्टार्ट होने वाले हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो है वो सिलेक्ट हो गए होंगे आने वाले होंगे दो चीज़ें होती है एक ब्लॉक अकाउंट और हेल्थ इंश्योरेंस तो तुमने ये दोनों चीज़ें कहाँ से करवाई थी व्हाट इज़ द प्लेटफॉर्म यू सजेस्ट फॉर आवर ऑडियंस जस्ट वन थिंग अबाउट इंश्योरेंस क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल था एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कोविड टाइम्स जहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल नहीं रही थी आप घर से बाहर नहीं निकल सकते थे कुछ कर नहीं सकते थे इफ़ यू आर अबव 30 यू हैव टू टेक प्राइवेट इंश्योरेंस पब्लिक इज़ नॉट एन ऑप्शन फॉर यू एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स यूनिवर्सिटी आपसे मांगेंगे कि आप मुझे इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट दो तब हम आपके का एडमिट रिलीज करेंगे तो उसका ऑप्शन ये है कि आप AOK को एक मेल लिख सकते हो कि आपको एग्जेम्पशन लेटर चाहिए और वो आपको 2 दिन के अंदर बना के दे देते हैं दैट यू आर अबव 30 एंड आप नहीं आते हो पब्लिक इंश्योरेंस वाले ग्रुप में तो एक वो चीज़ है जो आप सबसे पहले कर लो आई वुड सजेस्ट एंड यू हैव दैट पेपर लाइफ इज सिंपल देन
मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च की वेबसाइट से और फेसबुक ग्रुप्स वगैरह से, एंड आई फाउंड एक्सपैट्रियो द बेस्ट, क्योंकि रिव्यूज़ भी काफ़ी अच्छे थे. मैंने देखा कि फिंटेबा या और जो भी थे उनका पेपर वर्क, एंड देन एक बार जर्मनी आने के बाद पैसे जो आपके आते हैं मंथली उसके लिए भी शायद पेपर वर्क ज़्यादा था. एंड आई पिक्ड अप एक्सपैट्रियो और उसमें सब कुछ इंक्लूडेड था, इवन प्राइवेट इंश्योरेंस आप चूज़ कर सकते हो आपको कौन सा वाला पैकेज चाहिए. तो ऑफकोर्स आई वेंट फॉर द चीपेस्ट वन बींग स्टूडेंट. और ब्लॉक अकाउंट आई थिंक 2 दिन में बन जाता है, इट्स रियली एक्सट्रीमली सिंपल. एंड जब हम यहाँ आए जर्मनी में, वी जस्ट हैड टू अपडेट आवर बैंक डिटेल्स एंड देन तुरंत पैसे आने शुरू हो गए. मतलब हम उनको बताते कि ठीक है हम दिसंबर में आए, बट इट स्टार्टेड फ्रॉम अक्टूबर फॉर एग्जाम्पल. तो आपको पिछले 2 महीने के पैसे एक साथ डाल के दिसंबर में दे देंगे. और हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ कि हम मेल लिख रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता. आई वुड सजेस्ट दैट एक्सपैट्रियो हैज़ एवरीथिंग एट वन प्लेस फॉर यू. यू डोंट हैव टू सर्च फॉर ब्लॉक अकाउंट कहाँ खोलें, इंश्योरेंस कहाँ से लें. एवरीथिंग इज़ एट वन प्लेस, सो हाईली रिकमेंडेड. एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस, I never had any issue at all. तो अगर आप भी ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड और ऑनलाइन है एक्सपैट्रियो. और इनका एक वैल्यू पैकेज है विच इज़ 49 यूरोज, और उसमें के पास बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, प्लस इंश्योरेंस एंड देन ब्लॉक अकाउंट आप क्रिएट करवा सकते हो. तो आई वुड ऑल्सो सजेस्ट दैट अगर आपको उस वैल्यू पैकेज की लिंक चाहिए, एक्सक्लूसिव लिंक, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होगी, वो आप देख सकते हो. और आई एम श्योर कि अगर आप स्टूडेंट हो और अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपका किसी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी हो गया है, तो आप प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो कि कहाँ पर आप अपना ब्लॉक अकाउंट क्रिएट करवा पाओ, क्योंकि आपको स्टूडेंट वीज़ा के लिए ज़रूरत पड़ेगा. प्लस सेकेंड थिंग इज़ हेल्थ इंश्योरेंस, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इसके अलावा सोनम, और कौन से एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो तुम्हें ऐसा लग रहा है इट्स अ बिग आई थिंक वन थिंग शी सेड दैट कि यूके में हर जगह स्टूडेंट डिस्काउंट्स मिलता था 10% फ्लैट, वेयर एज जर्मनी में इट्स नॉट देयर, राइट? या बट आप ये भी फिर वो कंपेरेटिव आ जाता है, राइट? यू पेड अ लॉट ऑफ फी इन यूके, तो एटलीस्ट इतना तो मिलना चाहिए. जर्मनी में यू डिड नॉट, मतलब मैंने पे किया, बट नॉर्मली MS MA प्रोग्राम में तो आप नहीं करते. तो आई थिंक मे बी दैट्स द रीज़न कि यहाँ नहीं मिलता है. बट यूके में आई थिंक दैट वॉज अ रियली बिग एडवांटेज कि आप अपना स्टूडेंट कार्ड लेके जाओ, आप कपड़े खरीदने जा रहे हो, आपको बस का टिकट लेना है, जो भी, इट हैड फ्लैट 10% डिस्काउंट एवरीवेयर, इररिस्पेक्टिव आप लंडन यूनिवर्सिटी में हो और आप बाथ जा रहे हो या आप कॉर्नवॉल कहीं पर भी जा रहे हो, इट वॉज एप्लीकेबल एवरीवेयर लाइक इंटायर कंट्री. तो आई थिंक वो बेनिफिट है. बट अगेन वही है, आपका एम क्या है, आप क्यों बाहर जाना चाहते हो. आई नो बहुत लोग इस प्रस्पेक्टिव से जाते दैट अगर जा रहे हैं इतना इन पैसे डाल के या इतनी मेहनत करके तो हम रुकेंगे. तो फिर उस पे बात आ जाती है कि आपको इजी वे चाहिए, तो आई वुड से यूके. बट आपको लगता है कि नहीं, थोड़ा वर्क लाइफ बैलेंस एंड या घूमना है. एक चीज़ है, यहाँ पे आप शेंगेन कंट्रीज़ में आराम से घूम सकते हो, यूके में आपको लेना पड़ेगा. तो मे बी अगर वो आपका गोल है देन yeah I think every country has its own disadvantages and advantages, but rightly said, kyunki tumhara khud ka experience tha to tumne bahut sari cheeze khud se figure out kari hogi jo tumne yahan par share kari. I think thoda to insight mila hoga logo ko ki kaun si country wo choose kar sakte hain, like if language is important for them so they can go with UK. If work life balance, like job karna hai baad mein, work life balance is important for them, then they can choose. I would say security wise Germany is better, like job security, you're not always worried ki are recession aa raha hai then what will happen. So I would say wo security hai, that kya bolte usko, sthirta wo hai yahan pe. UK में भी होगी मे बी, बट मैं वहाँ रुकी नहीं. मैं वहाँ बस 6 महीने और थी अपनी पढ़ाई के बाद, बट आई एंजॉयड माई टाइम रियली देयर एंड आई हैड लॉट ऑफ गुड मेमोरीज. सो या एक चीज़ और बता देती हूँ, जैसे तुमने जॉब सिक्योरिटी की बात करी, तो मुझे ये जानना है कि जैसे स्टूडेंट को वीज़ा मिलता है जॉब सर्च करने के लिए आफ्टर स्टडी, राइट? 18 मंथ्स का स्टूडेंट वीज़ा, मतलब वो एक्सटेंड कर देते हैं, तो जॉब मिलना इजी होता है यहाँ पर जर्मनी में विद इन दिस टाइम फ्रेम? इज़ दैट इनफ टाइम टू गेट द जॉब? आई थिंक इन माई केस, लाइक वी स्पोक, आई थिंक आई वॉज रियली लकी. मेरे लिए चीज़ें थोड़ी आसान थी यहाँ पे, मतलब
इंटर्नशिप मिलना बिकॉज दैट वॉज पार्ट ऑफ आर कोर्स कि हमें इंटर्नशिप करनी है मैंडेटरी कंपल्सरी इंटर्नशिप मुझे वो मिल गई. फिर मैंने एक जॉइन की म्यूनिक में क्योंकि मुझे म्यूनिक में ही रहना था. आई वॉज रियली फोकस्ड कि मुझे और कहीं नहीं जाना, मुझे जगह पसंद है, मुझे वाइब अच्छा लगता है काइंड ऑफ. तो एक कंपनी ज्वाइन की, मैंने 3 महीने वहाँ पे काम किया एंड देन आई गॉट द जॉब बैक जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की थी एंड आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी विद द ऑर्गेनाइजेशन. तो मेरे हिसाब से डिफ़िकल्ट नहीं है बट आपको परसिस्टेंट रहना पड़ेगा. लिंक्डइन आई थिंक इवन बैक इन इंडिया इट वर्कड वेल फॉर मी थ्रू आउट माई करियर आई वुड से. और मुझे 9 साल हो गए हैं काम करते हुए. और आपको बस वही नेटवर्किंग, आपको लोगों को रीच आउट करना है एंड ये वो इंडियन मेंटालिटी नहीं लानी है कि अरे हम बार बार मैसेज नहीं कर सकते, कहीं उनको ऐसा तो नहीं लगेगा. बट मुझे लगता है यहाँ उल्टा है, उनको ये पसंद है कि आप रियली इंटरेस्टेड हो उस जॉब में तो आप बार बार अप्रोच कर रहे हो तो दे विल पे अटेंशन. नॉट ऑलवेज ऑफकोर्स नॉट 100% बट इट वर्क्स. तो आई वुड सजेस्ट दैट बी परसिस्टेंट, स्टार्ट मेकिंग लाइक ग्रोइंग योर नेटवर्क एंड नथिंग इज डिफिकल्ट. आप इतनी दूर आ गए हो ऑलरेडी सो आई थिंक एक फेज तो आपने ऑलरेडी क्रॉस कर ही लिया है तो दिस फेज इज नॉट दैट डिफिकल्ट आई वुड से. तो आई थिंक वी कवर्ड ऑल द पॉइंट्स. तो थैंक यू सो मच सोनम, तुमने बहुत सारी पॉइंट्स बताए यहाँ पर यूके वर्सेज जर्मनी के बारे में. If you have any questions, you can comment the questions to us. तो हम try करेंगे उसको reply करने के लिए आप लोगों को. और बाकी अगर video अच्छा लगा हो तो like, share, subscribe कर देना. और मिलते हैं फिर next video में. Hope you like this video. Bye bye. Thank you.